हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे नया नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर होगा और आपके लिए गुड न्यूज़, अब कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। अब इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। छोटे मोटे अगर मिलेंगे तो वो थोड़े कॉम्पिटिटिव मिलेंगे, अदरवाइज आप पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, ना नीट के अंदर आते, ना आपके पास जेई मेंस में आते, और ना ही आपके पास CBSE में आते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री है, पूरी थ्योरी की यूनिट है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जैसे आपको पढ़ाते जाएं, थ्योरी डिक्टेट करते जाइएगा और उसी के नोट्स बनाते जाइएगा। टोटली थ्योरी है, छोटी सी यूनिट है। और आपने पीछे जो यूनिट पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स, आई होप आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे। उसके सारे क्वेश्चन NCERT करने हैं आपको, NCERT की करके और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास कॉपी में नोट करने हैं, A to Z क्वेश्चन। चाहे वो आपके पास छोटे क्वेश्चन हो, 1 मार्क हो, चाहे आपके पास 3 मार्क हो, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। कुछ एक आधे टॉपिक हैं जो कॉम्पिटिटिव के उसमें रह गए हैं, तो वो जैसे भी टाइम लगेगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? या फिर उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक लेक्चर तैयार कर देंगे और वहाँ से वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है? सरफेस में एक ऐसा है कि सरफेस थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी और पहले दिन से यहाँ क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। अभी तक तो क्या था, हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो प्रीवियस यूनिट जितने भी हमने पढ़ी है वहाँ पर हमने आधी यूनिट के बढ़ने के बाद क्वेश्चन करने स्टार्ट किए हैं। यहाँ फर्स्ट डे से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है? तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे आप, चाहे NCERT का इस्तेमाल कीजिए, चाहे प्रदीप का, चाहे JRB का, किसी भी बुक का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ से लाइन टू लाइन करना है। यहाँ पर सारा रोल क्वेश्चंस का होगा, PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा इसकी, जहाँ से आपके पास थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि पेपर में या सॉरी जो नोट्स हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, और ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बहुत आसान यूनिट है, इंजॉय करके पढ़िए इसको, आपको ईजी लगेगा कि हाँ हमने कई ऐसी यूनिट पढ़ी है। देखिए एक्चुअल में अब जो यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर मैंने आपको पहले कह दिया, अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, सिर्फ आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन। और थ्योरेटिकल में भी ज़्यादा पोर्शन आपके पास क्या होगा, जो क्वेश्चन आते हैं NCERT के, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20-22 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज़्यादा 1 वर्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सिर्फ समझेंगे। मैंने आपसे पहले कहा कि अब आपको क्या करना है, जब आप लोग वीडियो लेक्चर इसका देखोगे तो देखने से पहले आपके पास बुक होनी चाहिए आपके पास पास में, और बुक से आप लोग लाइन टू लाइन डिक्टेट कीजिए वहाँ पर, आपको ताकि आइडिया हो जाए कि चलो ये बात हमें पता है, ये बात नहीं पता। चाहे आप NCERT का इस्तेमाल कीजिए, लाइन टू लाइन चलना है आपको, ठीक है? वहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके पास क्वेरी आते हैं वो आप मेरे से डिस्कस कीजिए कि सर यहाँ पर ये बात है, ये मुझे नहीं पता, या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो नहीं आता हमें, या हो सकता है कोई हम लोग एग्जाम्पल लें और वो नहीं लें, या वो लें हम नहीं लें, तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास। तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान देते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। आपके पास 4 नंबर की यूनिट है अपने CBSE के अंदर, कभी कभी 5 की भी आई थी, अब फिलहाल 4 नंबर की यूनिट है। बहुत ईजी यूनिट है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, और देखिए है क्या इसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री में। आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है आपके पास, बहुत सारी चीज़ नहीं तो कुछ है। हम लोग इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसके 8-10 पेज हम लोग आपको यहाँ पर बता देंगे। तो मेरे हिसाब से आपके पास क्या है, अब आपके पास प्रॉपर टाइम है इस यूनिट को अभी सीक्वेंस वाइज, जैसे भी आप पढ़ोगे ना, तो जब आप लोग डिक्टेट कर रहे हो साथ के साथ आपके पास नोटबुक में भी लिखते चले जाना, ताकि एक फेयर नोटबुक आपकी कम्प्लीटली तैयार हो जाए और इसके बाद फिर आपको दिक्कत ना आए। मान लो कल को हम लोग स्कूल में भी आते हैं और रिविज़न करने का टाइम मिल जाए कि ठीक है सर इस इन यूनिटों को प्रॉपर रिवाइज करा दीजिए, तो रिटर्न वर्क आपके पास होगा तो हमें सिर्फ समझाने समझाने का जितना टाइम लगेगा वही टाइम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, सरफेस का मतलब यहाँ पे क्या है, और केमिस्ट्री यहाँ जो इन्होंने डिक्टेट की है ये देखिए किसको रिप्रेजेंट करेगी। सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि सर आपके पास एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ आप लोग स्टडी करते हो, किसके बारे में, एक सरफेस फिनोमिना के बारे में। वहाँ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग पार्टिकल होंगे जो आपके पास दो बल्क फेज को क्या करेंगे, एक सेपरेट करेंगे, किसी भी आपके पास एक इमेजनरी बाउंड्री से या आपके पास रियल बाउंड्री से उसको सेपरेट करेंगे। अगर उन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हो तो उसको जनरली नाम दिया है सरफेस केमिस्ट्री का। अगर आप डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हो तो आप कह सकते हो वहाँ पे सर आपके पास ब्रांच है,
किसके फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ लोग डील करते हैं स्टडी करते हैं किसके बारे में, इंटर और आपके पास अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग पार्टिकल ऑफ किस पे कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ, या आपके पास कह सकते हो दैट इज द बाउंड्री सेपरेशन ऑफ टू बल्क फेज, बाउंड्री सेपरेशन ऑफ टू बल्क फेज आर कॉल्ड, उसको नाम देंगे हम लोग किसका, सरफेस केमिस्ट्री का। अब सरफेस केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री का यहाँ जिक्र क्या हो रहा है कि भाई सरफेस पे कोई ना जो सरफेस पे एक्टिविटी होगी, पार्टिकल जो वहाँ रिटेन करेंगे या उसको अट्रैक्ट करेंगे, हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अब ये लिख रहा हूँ तो ये इसके ऊपर आ रहा है, इमेज इसकी बन रही है, तो इसका सरफेस और इनकी जो इंक है इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, तभी तो ये रह गई। नहीं तो मान लीजिए अगर मैं पानी से लिखूंगा तो पानी क्या इस पर दिखेगा, नहीं दिखेगा, और पानी से अगर लिख भी देता हूँ तो इस पर रुकेगा भी नहीं, ये रुक गया तुरंत, है तो ये भी लिक्विड। तो इसके बीच का जो आपके पास इंट्रैक्शन है या इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इसका सरफेस एरिया है, जो भी यहाँ चीज़ें वर्क कर रही होंगी हम लोग टेक्निकल वे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके पास कुछ पॉइंट लिखे हैं सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले, आपको ये सारे पॉइंट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए कि सर हम किन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बात कर रहे हैं आपके पास सरफेस केमिस्ट्री जब जिक्र करते हैं तो एड्सोर्बेट क्या होता है, एड्सोर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ, एड्सॉर्प्शन क्या होता है जिसमें एड्सोर्बेट की बात की और एड्सोर्बेंट की बात की है। अब देखिए एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट है क्या, यहाँ पे एड्सोर्बेट की बात करते हो आप लोग बहुत सारे आपके पास बायो के अगर स्टूडेंट हैं तो उनको पता है कि एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक तो आता है एड्सॉर्प्शन एक आता है एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि एब्जॉर्ब करने में मतलब जो पार्टिकल होंगे वो इनसाइड द आपके पास सेल होंगे, और अगर हम लोग बात करते हैं किसका कि एड्सॉर्ब हो गया यानी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एड्सॉर्ब का मतलब सरफेस पे और एब्जॉर्ब का मतलब इनसाइड ऑफ द पार्टिकल या इनसाइड ऑफ द सेल, वहां बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए आप लोग क्या लोगे, यहाँ पे देखने के लिए आप सिर्फ ये बताओगे कि सर अगर आपके पास आप लोग कोई भी सब्सटेंस की बता रहे हो जो एब्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, एड्सॉर्बेट का। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पार्टिकल ले लेते हैं, लाइक एक रसगुल्ला ले लिया आपने, ठीक है, अब इसको उठा के सीधा तुम लोग रेत में डाल दो तो तुम्हें पता है कि यहाँ एक डस्ट पार्टिकल चिपक जाएंगे इस तरह से, दिख रहा है, इस तरह से आपके पास यहाँ डस्ट पार्टिकल होंगे। कोई भी एक रसगुल्ला ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, एक्स वाई जेड जो भी आप लेना चाहते हो, सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, तो आपने अगर देखा होगा जब उस पार्टिकल को आप लोग यानी उस रसगुल्ले को अगर आप मिट्टी में डालते हो तो डस्ट पार्टिकल आपके पास इस तरह से चिपक जाएंगे, तो ये वाले जो डस्ट पार्टिकल ये कहलाएंगे आपके पास एड्सॉर्बेट, याद रहेगा, ठीक है, और जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट, क्लियर है। और इस फिनोमिना को क्या हम लोग बोलेंगे, जो ये पूरा फिनोमिना रिप्रेजेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्प्शन, क्या कहलाएगा, एड्सॉर्प्शन, याद रहेगा क्या कह रहा हूं मैंने आपके पास। फिर देखिए कि भाई हमारे पास क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं एड्सॉर्बेट की, पहले आप लोग मीनिंग क्लियर करके चलोगे। सर एड्सॉर्बेट देखिए डेफिनेशन तो तुरंत है, याद करने वाला काम है, उसमें कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर मीनिंग क्लियर है तो डेफिनेशन हम लोग खुद भी बना सकते हैं, और मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो डेफिनेशन का कोई फायदा नहीं है, फिर रट्टाफिकेशन से कोई फायदा नहीं होता। तो आप सबसे पहले लेके चलोगे सर एड्सॉर्बेट क्या होगा, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल, एक्स वाई जेड, आप सॉलिड लो, लिक्विड लो, गैस लो, आप लोग आटा गूंथते हो, ठीक है, हम लोग घरों में आटा गूंथते हैं या कोई भी हम लोग काम करते हैं तो देखते हो कि आटा में ना कोई भी हम लोग ऑयल की ड्रॉप या पानी की जब ड्रॉप डालते हैं तो उस पानी के सराउंडिंग आटे के या आपके पास जो बेसन है या इनके इनके ऑयल के सराउंडिंग वो पार्टिकल चिपक जाते हैं और एक स्फीयर सा बना देते हैं। उस स्फीयर को उठाओ और उसको दोबारा से इस तरह से प्रेस कीजिए, प्रेस करते ही उसमें से क्या निकलेगा, ऑयल या वाटर निकलेगा, बस समझ में आ गई। तो जरूरी नहीं है जो आपके पास ये वाला जो पार्टिकल है ये सॉलिड हो, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। जो इंट्रैक्शन होगा दो बल्क फेज का वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जब जिक्र करते हो कि सर हमारे पास किसका जिक्र करना है, एड्सॉर्बेट का, तो एड्सॉर्बेट का क्या होगा, द सब्सटेंस दस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस, द सब्सटेंस एब्जॉर्ब, आप लिख सकते हो द सब्सटेंस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस आर कॉल्ड, तो आप नाम दोगे इसका किसका, एड्सॉर्बेट का, और जो उसको एब्जॉर्ब करवा रहा है वो क्या कहलाएगा आपके पास, एड्सॉर्बेंट,
एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज, आप कहोगे सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। यानी एडसॉर्प्शन में क्या होगा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग पार्टिकल होंगे ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हो तो डेफिनेशन में इसकी क्या लिखोगे कि सर फिनोमिना है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द, किसका, आप किसी भी चीज का ले सकते हो कि हायर कंसेंट्रेशन है आपके पास जो भी हम लोग ले रहे हैं पार्टिकल्स उनकी, जो आपके पास क्या हो रहे हैं एक एडसॉर्बेंट पे इंट्रैक्ट कर रहे हैं उनके सरफेस पे बाय ए स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, आप नाम देते हो एडसॉर्प्शन का। तो देखिए एडसॉर्प्शन में आपके पास दो चीजें हैं, एडसॉर्बेट क्या होता है, एडसॉर्बेंट क्या होता है, जो सरफेस पे चिपक रहा है किसी के भी थ्रू उसको हम लोग नाम देंगे एडसॉर्बेट, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने सरफेस पे, यानी ये मेरा सरफेस हो गया तो दैट इज एडसॉर्बेंट, इस पे मैंने पानी या ऑयल लगा दिया तो वो क्या हो गया एडसॉर्बेंट, और उस फिनोमिना का हम लोग क्या बोलेंगे एडसॉर्प्शन, याद रह जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत। आप इसको बुक से टैली करके चलोगे, आप लोग प्रॉपर बुक को लाइन टू लाइन उसको रीड करोगे कि सर उसने क्या कहा है और हम लोग उस एग्जांपल को किस तरह से, ऐसा नहीं है कि आप लोग बुक पढ़ रहे हो और उसको गलत रीड कर जाओ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब अच्छा टाइम है हमारे पास बुक पढ़ने का, तो बुक पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है प्रॉपर टाइम के से ही आप लोग उसको आगे बढ़ा सकते हो कि सर इसको इस तरह से लेके चलेंगे और इसको इस तरह से देख के चलोगे, तो वहाँ पर आपके पास आइडिया इस तरह से टैली हो जाएगा कि हाँ हमारे पास एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, एडसॉर्बेंट के बारे में पढ़ना है, एडसॉर्बेट के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ से आप लोग इजीली इस चीज़ को टैली कर सकते हो। दूसरी बात, एडसॉर्बेट हो गया, एडसॉर्बेंट हो गया, एडसॉर्प्शन हो गया, ये एक वर्ड यूज़ कर रखा है इन्होंने, डिसॉर्प्शन क्या होता है, क्या कह रहा हूँ आपके पास डिसॉर्प्शन, ये एक रिमूवल प्रोसेस है, ये क्या है रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि सर यहाँ पर आप लोग लिखे क्या डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन कि डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो पहले ही आ रहा है कि रिमूवल है, रिमूवल है किसका, आप एडसॉर्ब पार्टिकल को रिमूव करा दो किससे, एडसॉर्बेंट से, तो वो हमारे पास क्या होगा उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे डिसॉर्प्शन। यानी इस रसगुल्ले को आप उठा के पानी में डाल दीजिए, धो लीजिए, तो इस सरफेस पे जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो रिमूव हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, याद रहेगा क्या बोला मैंने, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अगर आप इस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हो तो सिर्फ आप यही लिख सकते हो द फिनोमिना ऑफ या द फिनोमिना दस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, या कह सकते हो सर रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, यानी रिमूवल प्रोसेस है, यहाँ लिख सकते हो कि सर रिमूवल या रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा कि जो आपके पास एडसॉर्बेट पार्टिकल यानी सरफेस पे जो सब्सटेंस थे या सरफेस पे जो पार्टिकल थे वो रिमूव हो जाए बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, तो उसको हम लोग नाम देंगे किसका डिसॉर्प्शन का। तो हमारे पास तीन टर्म्स क्लियर हो गए, हमारे पास एडसॉर्प्शन क्लियर हो गया, एडसॉर्बेंट क्लियर हो गया, हमारे पास एडसॉर्बेट क्लियर हो गया, डिसॉर्प्शन क्लियर हो गया। एक वर्ड आता है आपके पास अकल्शन क्या होते हैं, इस वर्ड को हम लोग पहले भी सुन चुके हैं आपके पास अकल्शन, अकल्शन क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई गैसियस सब्सटेंस या गैसियस आपके पास मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस ऑफ मेटल पे अब्सॉर्ब कर जाए, किसी सरफेस ऑफ मेटल पे अब्सॉर्ब कर जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके पास अकल्शन। तो जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैसे, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग ना ये पूजा वगैरह करते हैं तो इसके अंदर ना अगरबत्ती जो है या धूप है वो किसी फ्रूट या लड्डू इनके ऊपर आसपास रख देते हैं, तो आपने देखा होगा अगर वो चीज़ें प्रसाद के रूप में हमारे पास हिस्से में आती है तो उसमें स्मेल हो जाती है, किसकी, अगरबत्ती के, उसके धुएं की स्मेल हो जाती है, क्योंकि उसने क्या किया उस सरफेस पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए, तो उसको यहाँ पर जो नाम दे रहा है वो हम लोग स्पेशली किसके लिए ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं मेटल के लिए जनरली, तो वो तो हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो गया, यहाँ बात होगी किसकी, पर्टिकुलर मेटल की, किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे कोई गैस एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अकल्शन, याद रहेगा ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, जैसे हमारे पास देखिए एडसॉर्बेंट आ गया, एडसॉर्बेंट आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, डिसॉर्प्शन आ गया, आपके पास अकल्शन आ गया, तो अकल्शन के लिए यही कहोगे कि सर एडसॉर्प्शन है ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, कि एडसॉर्प्शन है, एडसॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा अकल्शन, याद रहेगा ठीक है। तो हमारे पास देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन पे जितना हम लोग फोकस करेंगे यूनिट उतनी ही मजेदार हो जाएगी, अगर छोटी छोटी डेफिनेशन पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो फिर क्या हो गया, फिर एक रट्टाफिकेशन हो जाएगा जी, हमें तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना है और
छुट्टी, क्योंकि आगे यही चीजें काम आनी है। इसलिए इंट्रोडक्शन में जितना आप लोग डीप जा सकते हो उतना डीप चाहिए, जितना आप लोग एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हो उतना एग्जाम्पल फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हो तो आपके पास क्या आ गया, एड्सॉर्बेंट हमने पढ़ लिया, एड्सॉर्बेंट पढ़ लिया, आपके पास एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, डिसॉर्प्शन पढ़ लिया, अकल्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि सर इसके एड्सॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक, तो उससे पहले हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग ना इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं भाई कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम लोग एड्सॉर्प्शन में जिक्र करते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक रॉ शुगर होता है हमारे पास, रॉ शुगर तो देखा होगा सबने, अरे आपके पास जो जो हमारे पास शुगर आता है या ब्राउन शुगर जो हमारे पास जो चीनी मिलती है वो जनरली ब्राउन कलर की होती है। जनरली अगर आप उसको देखते हैं तो हमारे पास तो जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, रसोई में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, वो तो वाइट क्रिस्टल होता है। पर इन जनरली जब वो रेगुलरली बन के आ रही है तो उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर जनरली ब्राउन होता है। तो उस ब्राउन कलर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल चारकोल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमल चारकोल का। तो एनिमल चारकोल वहाँ पर किसका काम कर रहा है आपके पास, वहाँ पर वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा है किसका, एड्सॉर्प्शन का। एक परफेक्ट एग्जाम्पल शो करता है किसका, एड्सॉर्प्शन का। आपने चारकोल देखा होगा, आपको ये एक्सपेरिमेंट भी बता देते हैं। आप क्या करना, दो बीकर ले लेना आपके पास, इस एक्सपेरिमेंट को मैं दिखा भी सकता हूँ आपके पास, अगर लैब में होते तो दिखा देते। एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर कोई मेटल का एक टुकड़ा डाल दीजिए, उसमें HNO3 डाल दीजिए। और HNO3 डाले हुए तो जैसे क्या है, आपको पता है कि HNO3 क्या हो गया आपके पास, एसिड हो गया। मेटल क्या हो गया आपके पास, एसिड। अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगी, प्रोड्यूस करेगी। वहाँ पर आपके पास हो सकता है HNO3 वो कर रहे हो आपके पास, रिड्यूस कर रहे हो तो NO2 भी मिलेगा आपके पास। तो उसको क्या है, उसको अलग आपके पास बीकर में कलेक्ट कर लीजिए उस गैस को, और वहाँ आप लोग एक्टिवेटेड चारकोल डाल दीजिए। एक्टिवेटेड चारकोल देखा है, अरे ये जो पेंटीन का शैम्पू का ऐड आता है उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल दिखाया जाता है। एक ग्लास में आपके पास इम्प्योरिटी होती है और उसके अंदर एक ब्लैक कलर की बॉल डाल देते हैं, जैसे ही डालते हैं तो सारी इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब कर लेता है वो, दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एनिमल चारकोल को यूज़ कर रहे हैं आपके पास, किसको, आपके पास शुगर को प्योरीफाई करने के लिए, शुगर को वाइट क्रिस्टल में चेंज करने के लिए हम लोग एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है किसका, एड्सॉर्प्शन का। और आप आगे देख सकते हो किसका हम लोग ले सकते हैं, आपने सिलिका जेल देखा होगा, सिलिका जेल सुना है, क्या नाम दे रहा हूँ मैं, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल यानी सिलिका से बना होता है, SiO2, ठीक है, इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिका जेल आपके पास क्या होता है, आपने बहुत सारे शूज, आपके पास मोबाइल्स, आपके पास टीवी, जिनके जो आपके पास बड़ी बड़ी पैकिंग आती है, इनमें एक ना छोटे छोटे पाउच मिलेंगे आपको एक क्रिस्टल टाइप में, दैट इज सिलिका जेल। आपने देखा है जूते के डब्बे में आप जब जूता निकालते हो तो जूते की अलग सी स्मेल होती है, क्योंकि उसमें रबड़ होता है और रबड़ की अलग स्मेल होगी। तो वो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स उस डब्बे में है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या डाल देते हैं, उसमें सिलिका जेल डाल देते हैं, जो एटमोसफेयर से उन गैसेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती रहती है, तो दैट इज सिलिका जेल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपके सराउंडिंग जो किसका काम कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, एक नहीं आपके पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके पास। जैसे किसी भी चीज़ की स्मेल को आप लोग जब रिड्यूस करने के लिए जनरली तो देखिए सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। और आपके पास मैंने बता दिया रॉ शुगर को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल चारकोल का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जिसको हम लोग बताते हैं किसके एग्जाम्पल है आपके पास, एड्सॉर्प्शन के। और कोई एग्जाम्पल आप अगर टैली करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कि सर और किसी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आपके पास डाइस वगैरह हो गए या एनिमल चारकोल आपके पास बता दिया, एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बता दिए, ये सारे हमारे पास क्या है, साइंटिफिक एग्जाम्पल है जो हम लोग यूज़ करते हैं एड्सॉर्प्शन के लिए। नया देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट क्या है ये पता लग गया, एड्सॉर्बेंट क्या है ये पता लग गया, ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्या है ये पता लग गया, डिसॉर्प्शन क्या है ये पता लग गया, अकल्शन क्या है ये पता लग गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एड्सॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या जिक्र कर लेते हैं कि भाई आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि भाई एड्सॉर्प्शन का एक्चुअल में मैकेनिज्म होता क्या है, किस तरह से एड्सॉर्प्शन आपके पास वर्क करता है, क्या चीजें हम लोग वहां डिस्कस करके चलते हैं कि आपके पास इनको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो सिचुएशन आप लोग कैसी बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग जिस तरह से इसको शो करना चाहें उस तरह से शो कर सकते हैं, कि कोई भी आप एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आप उसको टैली कर सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए,
ठीक है, इसके अंदर आपके पास लिक्विड रख लेते हैं कोई भी एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जर्नल दिखा देते हैं, चलो कि जर्नल लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक नॉर्मल ले लेते हैं, एक मैकेनिज्म को इस तरह से नहीं समझा के, आपके पास नॉर्मल प्रैक्टिकली समझा देते हैं इस चीज़ को। एक ग्लास के अंदर आपने चॉक डाल देना, एक ग्लास के अंदर आप लोग चलो एक चॉक तो आपने देखा होगा, चॉक में शाही डाल देना। अगर मेरे पास मान लीजिए जनरली हम यहाँ भी रखते हैं, कोई भी हम लोग यहाँ रखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कागज़ है, इस कागज़ पर मैं इससे लिखूंगा, तो ये क्या कर रही है, ये इसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। बस समझ आ रही है, इसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो हमें इसका मैकेनिज्म बताना है। तो वही वाली बात आती है, मैकेनिज्म का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी केमिकल लिया और उसके अंदर कोई लिक्विड पार्टिकल है और उसमें कोई आप लोग सॉलिड पार्टिकल एंटर कर रहे हो, जिसके अंदर कोई भी लिक्विड आपके पास इस तरह से इंट्रैक्ट करेगा, इंट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई यहाँ फोर्स वर्क करेगा, जो सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, उसके सरफेस पे जाएंगे। और सरफेस पे जाएंगे तो जो मेटल होगा या जो भी आपके पास सॉलिड पार्टिकल होगा किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम करेगा। और जो आपके पास लिक्विड होंगे वो किसका काम करेंगे, एडजॉर्बेंट का काम करेगा। बस समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म होगा और इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या हम लोग वैसे भी कह सकते हैं कि सर इसके जो सरफेस फिनोमिना है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पोरस होगा तो सिंपल सी बात है एब्जॉर्ब करने में उसको ज़्यादा सहायता हो, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई भी, हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की या किसी भी सॉलिड पार्टिकल की, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो जितना ज़्यादा पोरस होगा, जैसे आपने दीवार में कई बार देखा होगा, हम लोग पेंट करते हैं, तो पेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दीवार से पपड़ी उतारी जाती है, उसके बाद वहाँ पेंट किया जाता है, उसको रब करके, उसको अच्छे से साफ करके। अभी जैसे कूलर, गर्मियों का मौसम आ गया, कूलर भी पेंट करते हैं, तो पहले उस पुराने वाले पेंट को उतारा जाएगा, रब किया जाएगा, तब दूसरा पेंट किया जाएगा। क्योंकि उसके पोर है, उसके अंदर वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ किसका, एड्जॉर्प्शन। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है, थर्टिकल में आपके पास है, जैसे एक्सपेरिमेंटली इसके हजारों प्रूफ है, आप करके भी देख सकते हो। थर्टिकली हम लोग जब बात करते हैं तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख के ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास आता है सर क्या, मेरे पास आता है एड्सॉर्प्शन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि आपके पास जो एड्सॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिए कैसे, कि एड्सॉर्प्शन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि वहां से हीट रिलीज होगी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस था, उस पर कोई भी पार्टिकल इस तरह से आपके पास आके इंटरेक्ट यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने एक को नाम दिया था किसका, एड्सॉर्बेंट का, और एक को नाम दिया था किसका, एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्बेंट, याद है, ठीक है। कि एड्सॉर्बेंट आपके पास किस पे चिपकेंगे, यानी किस पे आपके पास सरफेस पे आएंगे, एड्सॉर्बेंट के। और इस फिनोमिना को हमने क्या दिया था, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा है कि वाई या एड्सॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो कहता है कि यहाँ जो डेल्टा एच है ना उसके बारे में पूछ रहा है, कि ये आपके पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। बात समझ में आ गई। अब एक्सोथर्मिक होगा तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इसके डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस समझ में आ गई। तो आपको पता लग जाएगा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, वही है पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास, कि हम लोग बात करेंगे हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो आपको पता है एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया, एंडो का मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाहर। बस समझ में आ गई कि भाई हीट रिलीज करेगी तो साफ सी बात है आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और हीट इवॉल्व करेगी तो आपके पास सॉरी आपके पास एब्जॉर्ब करेगी, तो आपको पता लग गया कि हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो मेरे पास क्या आ रहा है, एंडोथर्मिक, और हीट इवॉल्व कर रही है तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। तो देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपके पास एड्सॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं कि व्हेन एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस द रेजिड्यूल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज डिक्रीज, इन अदर वर्ड्स सरफेस एनर्जी इज डिक्रीज एंड हेंस द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनवर्बली आप कह सकते हो कि ऑलवेज नेगेटिव। ये कह रहा है कि आपके पास जो डेल्टा जी है ना वो आपके पास नेगेटिव होगा। देखो कैसे होगा, आप कहते हो कि सर आपके पास ये एड्सॉर्प्शन हम लोग फिनोमिना बता रहे हैं, ठीक है। हमने कहा एड्सॉर्बेंट पे ये जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं पार्टिकल, ठीक है। अब ये क्या एक ही लेयर बनाएंगे, जैसे भाई आपने एक रसगुल्ला ले लिया, चलो उस पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग ना कुछ भी लगाते हैं एक्स वाई जेड, जैसे हमने क्या करा उस रसगुल्ले को ना आटे में डाल दिया, तो आप देखोगे कि आटा क्या एक ही लेयर बनाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या करेगा, इस पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर प्रोवाइड करेगा, ऐसे लेयर बनाएगा,
वो इस तरह से, यानी ऐसा होगा इस तरह से आपके पास लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर बनते जाएंगे। जैसे आप लोग आटा जब बनाते हो, रोटी बनाते हो, तो उस पर हम लोग सूखा आटा लगाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो वो आटा ना झड़ता है, एक लेयर बना दिया फिर झड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा लगाते हो, चलो वो गीला है तो थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा ही करते हो। तो आपने देखा होगा कि कुछ आटे ना झड़ भी जाते हैं। झड़ते कैसे हैं? क्योंकि इसके और इसके बीच का ना इंटरेक्शन आपके पास क्या हो जाता है, ना बराबर हो जाता है। तो वो फिर सिर्फ कोलाइड करेगा किसके, इस बाहर वाले पार्टिकल से कोलाइड करेगा, इस बाहर वाले पार्टिकल से इनकी लड़ाई होने लग जाएगी। लड़ाई होगी तो क्या होगा, जब पार्टिकल आपस में टकराएंगे, भाई मैं ऐसे ताली बजाऊंगा, हाथों को रब करूंगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास, बात समझ में आ गई, रिलीज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाई एडजॉर्प्शन, या वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, तो इसके इंटरफेस में जो आपके पास इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी जो सरफेस एनर्जी है उसके कम होने के कारण, क्यों, क्योंकि एक लेयर बन गया, वो दूसरी लेयर, पहली वाली जो लेयर है उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, जिसके कारण सरफेस एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, कम हो गई, तो बाहर वाले जो पार्टिकल है उनके कारण डेल्टा एच आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट्स वाई आपके पास एडजॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसके एक नंबर में आता है, हमारे सीबीएसई में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, तो सीबीएसई में आया हुआ, तो क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिख के आना है, क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू लिख के आना है, आप बना के आना चाहते हो बना के आ जाओ, और लैंग्वेज में थ्रू थ्रू के लिख के आना चाहते हो तो लैंग्वेज के थ्रू लिख दो। लैंग्वेज के थ्रू सिर्फ क्या लिखोगे, व्हेन एडसॉर्प्शन टेक प्लेस, कब, कहते हैं रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट डिक्रीजेस, रेजिडुअल फोर्स, जो रेजिडुअल फोर्स है, रेजिडुअल फोर्स जो सरफेस पे है वो क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण सरफेस एनर्जी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, जिसके कारण डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई एडसॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि आपके पास एडसॉर्प्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें आगे देखिए, इसी को एक लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया, तो ड्यूरिंग एंड मतलब ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन एंट्रोपी चेंज होगा क्या, क्या ले रहा हूं मैं, एंट्रोपी चेंज कब, कहता है ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, क्या अगर आपके पास एंट्रोपी, तो देखिए याद करिए एंट्रोपी हमारे पास क्या था, अब एंट्रोपी को डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी था हमारे पास डेल्टा एस, इसको हम लोग नाम देते थे एंट्रोपी का, ये सबको याद करा देता हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि भाई आपने प्लस वन में डिस्कस कर लिया था, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, एंट्रोपी क्या था, तो एंट्रोपी हम लोग बोलते थे डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, क्या बोलते थे, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस क्या होगा, तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस था आपने कि भाई हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं किसी चीज को सॉलिड में रखूंगा तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होगी, ठीक है, तो एंट्रोपी आपके पास क्या है, इसकी मिनिमम है। अगर इसी को आप लिक्विड में ले रहे हो तो पार्टिकल किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है, और इसी चीज को आप लोग किस में ले रहे हो, गैस में ले रहे हो, तो पार्टिकल आपके पास किस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस कहाँ ज्यादा है, गैस में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम यहाँ आपके पास, मैक्सिमम यहाँ आपके पास, मिनिमम यहाँ, मॉडरेट है, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा कहाँ है, गैस में सबसे ज्यादा है। जैसे सपोज दैट, अभी हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि मैंने आपसे कई बार एग्जांपल लिया हुआ है, भाई क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो वहाँ एंट्रोपी मिनिमम है, फिर लंच हुआ तो आपके पास क्या हो गया, वहाँ एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि कोई बच्चा किसी क्लास में जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई ग्राउंड में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ गई। फिर क्या हो गया, छुट्टी हो गई, बेल लग गई तो एंट्रोपी क्या होगी, वहाँ मैक्सिमम होगी, क्योंकि कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो दैट इज एंट्रोपी, बस समझ में आ गई। अब वो जिक्र कर रहा है कि सर ये एंट्रोपी का कहता है कि एडसॉर्प्शन पे कोई फर्क होता है, यानी जब आप लोग एडसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन बताते हो, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक पार्टिकल था ये रहा, जिसको हमने रसगुल्ला लिया शुरू में, और हमने कहा कि सारे पार्टिकल जो होंगे वो इस तरह से इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्लियर, बस समझ में आ गया। आपने बताया कि ये आपके पास क्या होगा, एडसॉर्बेट, और ये क्या होगा आपके पास, एडसॉर्बेंट,
एड्सॉर्ब बैंड, और इस फिनोमिना को क्या लिया था तुमने, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। तो कहता है कि इट्स एड्सॉर्प्शन पे डेल्टा एस का कोई रोल है क्या, समझ में आ गई मेरी बात, डेल्टा एस का कोई रोल है। तो देखिए आपको मैं इस तरह समझाता हूँ, हमने क्या किया अभी मैंने बताया कि भाई हम लोग जब पूजा वगैरह करते हैं तो वहाँ पर धूप वगैरह जलाते हैं, मोमबत्ती सॉरी अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ जो सेब और लड्डू होते हैं, तो आप देखो जब आप लोग अगरबत्ती जलाते हो तो उसका मुंह इस तरह से होता है और उसकी फ्लेम ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है, इस तरह से होता है, ऊपर की तरफ जा रही होती है। अब वहाँ अगर आप देखोगे तो पार्टिकल्स कहाँ हैं, नीचे, उसने उस गैस को कैसे अब्जॉर्ब किया, चलो गैस तो आपके पास यहाँ 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 चारों तरफ थे, अब जब वो एक जगह आ जाएंगे तो एंट्रोपी वहाँ डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी। देखिए जब आपके पास, आपने कहा कि सर आपके पास ये एक कंसेप्ट था और यहाँ सारे आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल थे, ठीक है, क्लियर, हमने क्या किया सिमिलर, अब हमने यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल रख दिए, क्या रख दिया मैंने, एक्टिवेटेड चारकोल यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, तो क्या होंगे वो गैसियस पार्टिकल सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे, बोलो। तो अब बताओ एंट्रोपी यहाँ डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, बता सकते हो, तो आप साफ देख रहे हो कि एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई, ठीक है, बस समझ में आ गई। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब आपके पास कोई एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट पे आके एब्जॉर्ब होता है तो वो क्या होगा, तो आप कहोगे वहां जब एड्सॉर्प्शन होगा तो एंट्रोपी वहां क्या होगी, डिक्रीज होगी, बस समझ में आ गई, क्लियर है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब सरफेस पे आएगा, भाई कहीं कहीं होगा, जब सरफेस पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके क्या होगी आपके पास जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहता है कि उसके डेल्टा एच या डेल्टा एस पे, जो कि हमारे पास पता है, हम लोग रिजल्ट पहले जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बस समझ में आ गई, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं आपके पास एक गिब्स एनर्जी, गिब्स इक्वेशन के तौर पे हमने इसको जाना है, तो इस रिजल्ट को हम लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है, आप पहले इसको देखिए आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि आपके पास पता लगा एंट्रोपी डिक्रीज हुई या नहीं। तो एंट्रोपी जब आपके पास डिक्रीज हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा जस जी मस्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा जी मस्ट भी क्या होगा, नेगेटिव, इफ कब, जब डेल्टा एस भी क्या हो जाए आपके पास, नेगेटिव, बस समझ में आ गई, डेल्टा जी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, जब डेल्टा एस भी आपके पास क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो आपको पता है कि भाई अगर मेरे पास डिक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है आपके पास डेल्टा जी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या हम लोग वही पढ़ रहे हैं अपना जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाला कंसेप्ट, वही अभी फिलहाल आपसे इतना पूछा जाएगा कि भाई अगर जब आप एड्सॉर्प्शन करते हो तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, तो आपको पता लग गया क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि जब सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम सिर्फ इस रिजल्ट का यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या बता दें, एक इक्विलिब्रियम के बारे में भी बता दें कि भाई आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज है इंक्रीज है तो वो कंसेप्ट आपके पास क्या कहता है। तो देखिए अगर उस कंसेप्ट के यहाँ जिक्र करते हैं तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि सर अभी आपने बताया तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगर हम लोग लेते हैं सर मेरे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा था एंट्रोपी को, ये रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर को, ये रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी को, और ये रिप्रेजेंट करेगा गिब्स एनर्जी को, गिब्स एनर्जी को, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि भाई जो डेल्टा एच है या आपके पास डेल्टा एस है वो अगर नेगेटिव होता है, या डेल्टा एच डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, एज द डेल्टा एस नेगेटिव एंड डेल्टा जी बी नेगेटिव, इफ कब, कहता है जब डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव होगा। तो कंडीशन क्या होगा, अगर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस ले लो, टी डेल्टा एस मान लीजिए इसको हमने ज्यादा कर लिया, ठीक है, किससे, इससे, और ये वैल्यू क्या होगी, इफ यहां कंडीशन रख देते इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, क्योंकि आप बता क्या है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा जी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव, समझ में आ गई भाई, ये कंडीशन क्लियर है या नहीं है।
आपको पता है डेल्टा एच अगर आपके पास ज्यादा होगा किससे, टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा एच आपके पास क्या होना चाहिए, इसको नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसने कंडीशन रखा ही, अगर डेल्टा एच आपके पास क्या हो नेगेटिव, तो डेल्टा जी अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एक तो हम लोग कंडीशन याद रखेंगे ये वाली, एक आप याद रख सकते हो कि सर अगर आपके पास इसको मैग्नीट्यूड में ले रहे हो कि एडसॉर्प्शन प्रोसेस है एंड कीप ऑन टी डेल्टा एच डिक्रीज एंड अनटिल डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एस, ये कहता है कि अगर कुछ ऐसा केस आ जाए, भाई आपने लिया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक तरफ से तो मान लीजिए ये बढ़ रहा है, ठीक है, या ऐसे कह दीजिए एक तरफ से मान लीजिए इसकी हमने वैल्यू फिक्स कर दी 5 और इसकी फिक्स कर दी 3 और ये हो गया डेल्टा जी, तो आपने कहा कि मान लीजिए ये तो फिक्स है और एक तरफ से ये आपके पास क्या हो जाए इंक्रीज होने लग जाए बढ़ने लग जाए, तो आपको पता है बढ़ के ये कहाँ जाएगा 5 माइनस 5, तो डेल्टा जी आपके पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाली जो स्टेज है वो किसकी आ जाएगी इक्विलिब्रियम की आ जाएगी, बस समझ में आ गई, ये वाली जो स्टेज है वो किसकी आ जाएगी आपके पास इक्विलिब्रियम की आ जाएगी, कि आपके पास इक्विलिब्रियम क्या कहता है, तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ये कहता है, याद रहेगा। तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया, हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई अगर आप लोग बता रहे हो ये आपके पास पार्टिकल था, यहाँ पर आपके पास एडसॉर्बेंट था, ये एडसॉर्बेंट था, इस एडसॉर्प्शन में एंट्रोपी आपको पता है डिक्रीज हुई, और एंट्रोपी डिक्रीज हुई तो उसका डेल्टा जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अगर आपको पता है एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, तो आपको पता है अगर मैं डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव, और कोई ऐसा केस ले ले कि यहां से ये तो आपके पास क्या हो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, एक तरह से एक को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, या तो एक क्या होगा एक ऐसी स्टेज आएगी वो क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कोई भी स्टेज ले लेते, इक्विलिब्रियम कहते किसको है, इक्विलिब्रियम कहते हैं कि भाई जहां पर कोई स्टेज क्या आ जाए एक सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाए, यानी आपके पास एक डायनेमिक फॉर्म में आ जाए, यानी ना तो कुछ बढ़ रहा मतलब वर्क तो हो रहा है, इक्विलिब्रियम जनरली कहा जाता है किसको है, जैसे आपने एक पानी की टंकी ले ली, इस तरह से आपने दिखाया कि भाई ये पानी की टंकी है, यहाँ नल खोल दिया और इसी नल से आपके पास क्या हो गया यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, एक इनफ्लो हो रहा है एक आउटफ्लो हो रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी वर्क हो रहा है, जितना पानी यहाँ से निकल रहा है उतना ही पानी यहाँ पे आ भी रहा है, तो ये आपके पास स्टेज क्या होगी इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास वर्क तो होगा वहां पर क्या होगा डेल्टा जी आपके पास क्या हो जाएगा उस समय 0 हो जाएगा, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। तो ये वाला कंसेप्ट आपके पास कई बार पूछा जाएगा कि अगर आप बताते हो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि जब आप लोग हेल्ड करते हो कोई भी एडसॉर्बेंट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, तो एंट्रोपी उस समय क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा एस आपके पास क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये बातें छोटी सी हैं जो आपको याद रखनी है, लाइन टू लाइन टैली करनी है ताकि इम्पैक्ट पता लग जाए कि एडसॉर्प्शन पे इक्विलिब्रियम का या सॉरी एंट्रोपी का एडसॉर्प्शन पे या इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये पुराना कंसेप्ट जो हम लोग पीछे पड़ के आए हैं, तो आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल जब इस पे आएंगे तो डिक्रीज होंगे, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो कम हो गया तो डेल्टा एस, फिर हमने यहाँ कंडीशन रख दी अगर डेल्टा एस नेगेटिव कर देंगे तो डेल्टा जी भी क्या होगा नेगेटिव होगा, फिर आप कह रहे हो कि भाई इधर से इसको बढ़ाओ इसको आपके पास एज इट इज रखो, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एस ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, एक स्टेज ऐसे भी तो आएगी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग किसका नाम देंगे इक्विलिब्रियम का। तो इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती हो सर हमें पल्ले नहीं पड़ा कि भाई कैसे नेगेटिव होगा कैसे पॉजिटिव होगा, तो आप इसको फिर 2 बार 3 बार एक बार बुक से रीड करके टैली कर सकते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है। तो लैंग्वेज में तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, लैंग्वेज में तो बस इतना ही लिख सकते हो कि एडसॉर्प्शन हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट एंट्रोपी इज डिक्रीज एंड एंट्रोपी इज आल्सो नेगेटिव, कब कब कहता है प्रोसेस से आकर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी इज नेगेटिव ओनली कब, डेल्टा जी कभी सिर्फ एक ही केस में नेगेटिव हो सकता है जब हम लोग डेल्टा एच को भी नेगेटिव रख ले, इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना आपसे पूछा जाएगा कि एडसॉर्प्शन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डेल्टा जी का सॉरी एंट्रोपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको पता है कि डिक्रीज हो जाएगी, वो याद रखना है, फिर इस रिजल्ट को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप आगे चलते हो इसी चीज को अगर आप आगे समझाते हो तो आगे देखिए आप क्या कहना है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या ले रहा हूं, हमारे पास दो तरह के पार्टिकल ले लेते हैं इसी तरह से रख देते हैं, ठीक है, एक में रख देते हैं एडसॉर्प्शन और एक कर देते हैं एब्जॉर्प्शन,
देखिए एडसॉर्प्शन का मतलब आप लोग पीछे पढ़ के आएंगे, जस्ट पार्टिकल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। एडसॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, पार्टिकल यहाँ होंगे, बस ये तो याद रख सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल है, क्लियर है कि मतलब अगर आउटसाइड द पार्टिकल की बात कर रहा है तो एडसॉर्प्शन, और इनसाइड द पार्टिकल की बात कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन। दोनों को ही दे दे तो, अगर ये दोनों को ही दे दे तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अगर कोई दोनों ही दे दे तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे आपके पास काफी एग्जांपल आ जाएंगे जिसको आप लोग टैली कर सकते हो कि सर आपके पास एब्जॉर्प्शन क्या होंगे, एडसॉर्प्शन क्या होगा, या आपके पास इन चीजों पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ बता भी सकते हो। थोड़ा सा यहाँ आप लोग देख के चलोगे कि सर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो सिलिका जेल हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सिलिका जेल हो गया आपके पास, सिलिका जेल, ठीक है, इनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आपके पास एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बताने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई भी टैली कर सकते हो। चौक के ले लो, चौक आपके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास एडसॉर्प्शन देता है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्म है हमारे पास, वो एडसॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों देता है। पोछा नहीं लगाते घर में, तो पोछा लगाते हैं तो डस्ट पार्टिकल तो कहाँ जाते हैं, सरफेस पे, और पानी कहाँ चला जाता है, उसके इंटरफेस पे, तो वो किसका एग्जांपल होगा, एब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल एग्जांपल होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल याद रखना है, एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। फिर आगे चलिए, आगे चलते हो तो इसमें नई बात क्या आती है आपके पास, नई बात आती है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। देखिए, एक का है पॉजिटिव और एक का है नेगेटिव, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब जहां पर क्या हो आपके पास पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होंगे, जहां बल्क फेज में आपके पास जो एब्जॉर्बेड पार्टिकल है उसका जो रेंज है वो आपके पास मैक्सिमम हो जाए तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और अगर आपके पास कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। यानी आपके पास क्या कह रहा हूँ, जैसे हमने कहा ना कि आपके पास किसी भी सरफेस पे कोई भी एब्जॉर्बेड पार्टिकल आपके पास एब्जॉर्ब हो रहे हैं ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, तो क्या कहलाएगा आपके पास, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और अगर मिनिमम होगी तो क्या कहलाएगा आपके पास, नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। इसके पास इतने ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, इसकी डेफिनेशन आएगी वो आप लोग टैली कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हो तो आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे आपके पास आता है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग, भाई कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, कब, कहता है कि जब आपके पास कोई भी गैस एब्जॉर्ब होता है किस पे, बाय द सॉलिड। मान लीजिए आपके पास कोई भी सॉलिड है, जैसे मैंने अभी आपके पास वो लड्डू लिया था या सेब लिया था, अब वो सॉलिड है, अब उस सॉलिड पे आपके पास कोई भी जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो किन किन फैक्टर को देखते हुए वो एब्जॉर्ब होती है, क्या ऐसी हो जाएगी, क्या हर कोई मेटल या हर कोई आपके पास सॉलिड जो पार्टिकल है वो किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस चीज के लिए, तो उनको हम लोग अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपके पास कौन सा फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, सरफेस एरिया। ठीक है, जो सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे कि सरफेस एरिया किसका, कहता है क्या होता है, एब्जॉर्बेंट। सबसे पहला फैक्टर हम लोग यूज करते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, किसका ले रहे हैं, एब्जॉर्बेंट, याद रहेगा। हमने क्या किया, जो एब्जॉर्बेंट था यानी जो आपने एक मटेरियल लिया था इसका जो सरफेस एरिया है, अब इसकी बात करेंगे तो आपको पता है कि इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा रफ होगा, जितना ज्यादा रफ होगा उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। बस समझ में आ गई, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रफ होगा या जितना ज्यादा होगा, जैसे हम किसी भी चीज का सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगी। अरे अब पोछा भी तो लगाते हो, पोछा लगाते हैं घर में तो कैसे लगाते हैं, किसी चीज को साफ करते हैं तो फैला के किया जाता है, उस कपड़े को बिल्कुल फैलाया जाता है और फिर इस तरह से रब किया जाता है, ऐसे तो करते हैं, या उसकी ऐसी गांठ बना के उसको रब करते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर उसकी इतनी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर यानी एब्जॉर्बेंट की एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट के लिए, किसके लिए, कि सर सरफेस एरिया की अगर बात करते हो तो हम लोग अगर सरफेस एरिया किसी का स्पेसिफिक कर दे, जैसे कहते हैं ना द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपके पास लिख सकते हो वहां पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ
पर ग्राम ऑफ एडजोरबेंट, एडजोरबेंट तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया याद रहेगा। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या, मतलब स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफाई कर देना किसी भी चीज को, मतलब एक उसका लिमिट कर देना, उसकी एक क्राइटेरिया, मतलब उसके ऐसे बाउंड कर देना उस चीज को, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जितना ज्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड थिंग आपके पास क्या आता है सर, नेचर। नेचर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके पास किसका, कहता है डिफरेंट गैस ऑफ एब्जॉर्बेंट, डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंट। भाई हर गैस का जो नेचर है, जैसे मान लो हमने चारकोल ले लिया, अब हर गैस के लिए जो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर की अगर हम बात करते हैं, वो तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। भाई सी ओ टू के लिए अलग होगा, अमोनिया के लिए अलग होगा, सबके लिए आपके पास अलग अलग होगा, ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे एक सेम टाइम पे उतनी ही अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, 1 ग्राम चारकोल ले लेते हैं, टेबल आपको बुक में दे रखी होगी, 1 ग्राम चारकोल में आपके पास कितना, जो हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग बात करें इसकी नेचर की, या आप लोग बात करें नेचर ऑफ गैस बीइंग द एब्जॉर्ब, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हम लोग CO2 का कम्बिनेशन लेके चलेंगे, जो हाइड्रोजन है या आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे टेबल बना रखी होगी अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ आपके पास जिक्र कर रखा होगा, तो इसकी तो ऑक्सीजन पावर मिनिमम दे रखी होगी, इसकी क्या दे रखी होगी, मैक्सिमम दे रखी होगी, ठीक है। इसकी मिनिमम, इसकी क्या लिख रखी होगी, मैक्सिमम। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वहां अगर आप लोग बात करोगे तो वहां क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूं मैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या नाम दिया, क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर आपने पता है, कोई भी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए उसको जनरली आप लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बताते थे, प्लस वन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई आपके पास इजी लिक्विफाई कोई भी गैस आपके पास हो जो इजी लिक्विफाई हो जाए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या नाम दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो जिसका जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो ये 1 ग्राम चारकोल के लिए दे रखा होगा, 1 ग्राम चारकोल के लिए, तो ये आप लोग टैली कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना आपको, फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, तो किसका सर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द गैस, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो आपको पता है भाई टेम्परेचर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, कि भाई आपके पास, आपको पता है जैसे हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारे घरों में चीजों में स्मेल हो जाती है, हो जाती है ना, तो उस स्मेल को हम लोग रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में घरों में जो आपके पास रजाई गद्दे होते हैं इनमें स्मेल हो जाती है, तो उसको स्मेल को रिड्यूस करने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, उसको धूप में डाल देते हो। धूप में जैसे ही टेम्परेचर होगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स को छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। भाग जाने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ही कम होती चली जाएगी, पर डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, ये बात हमेशा ध्यान रख के चलना। आप कंसेप्ट क्या हो गया, नेचर ऑफ सब्सटेंस का भी हो गया, कि सर नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर ही मॉलिक्यूल्स या हर ही सरफेस एरिया पे जो गैस होंगे पर्टिकुलर वो रिमूव हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसमें दो तरह के चेंज आएंगे, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर का जब जिक्र करूंगा तो इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ जो से हमने कहा कि इस पे आके यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल इंटरेक्ट हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है कोई रिएक्ट भी कर जाएंगे, रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कोई केमिकल बॉन्ड बना देंगे, तो फिर हमें क्या पता टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो इन जनरल आप याद रखोगे टेम्परेचर अगर आपके पास बढ़ता है तो एब्जॉर्बिंग पावर भी आपके पास क्या होती है उसकी डिक्रीज हो जाती है, याद रहेगा। फिर इसके बाद आगे चलते हो तो आपके पास क्या आता है सर, प्रेशर। प्रेशर की अगर बात करते हैं तो जनरली आपके पास पता है कि भाई सर प्रेशर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। भाई किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए प्रेशर नहीं लगाते क्या, बहुत जोर जोर से उसको साफ करते हैं, रब करते हैं, दैट इज प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्बिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी, जितना भी ज्यादा भी मत लगा देना, बहुत ज्यादा लगाने से भी क्या होता है एक्सेस प्रेशर भी उसको क्या करता है रिड्यूस कर देता है उसकी, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, उनका जो पोर है वो बंद हो जाता है, तो एब्जॉर्बिंग पावर उसकी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो एक लिमिटेड है, कोई भी चीज अति मत लेना, एक्सेस बेकार है उनका, समझ में आ गया। तो प्रेशर का टर्म्स आपके पास क्या होगा, जितना ज्यादा उसकी एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज्यादा। अगर आप बात करते हो सर प्रेशर की, अगर बात कर लिया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको पता है कि भाई आपके पास ये ध्यान रखना एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर है कि जितना ज्यादा आपके पास प्रेशर होगा एब्जॉर्बिंग पावर उसकी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, गैस बाय सॉलिड, ज्यादा भी प्रेशर नहीं लगाना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रेशर होगा। एक आता है आपके पास एक्टिवेशन किसका, कहता है ऑफ द सॉलिड
एडसोर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसोर्बेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास जैसे जो भी एडसोर्बेंट है उसका सरफेस एरिया रफ बना देना, जो भी एडसोर्बेंट है उसका सरफेस एरिया क्या बना देना, रफ बना देना। रफ बनाएंगे तो पोरस होगा, पोरस होगा तो उसको ज़्यादा आपके पास उस पर एब्जॉर्ब होगा। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ करते नहीं है क्या भाई, मैंने अभी कहा पेंट ही करते हैं हम लोग, तो पेंट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको रब किया जाता है। रब करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका पोर दिखने लग जाते हैं, और पोर अगर आपके पास दिखेंगे तो ईजिली वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले तो आप यही बता सकते हो कि भाई अगर आपके पास एक्टिवेशन ऑफ क्या बताना है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट, तो यह बता सकते हो कि जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है आपके पास, रफ होना चाहिए। फिर आप कह सकते हो सर आपके पास जो हम लोग बात करते हैं रिमूविंग ऑफ गैस एब्जॉर्ब, उसको भी रिमूव करने के लिए आप लोग क्या है? मतलब छोटे छोटे टर्म्स हैं यहाँ, आपको सिर्फ ये बताना है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड ऑफ एड्सोर्बेंट। तो एड्सोर्बेंट में जो चेंजेस आप कर सकते हो उसके बारे में बता सकते हो। तो इसमें पर्टिकुलर एक ही चेंज आता है जनरली, तो सरफेस एरिया इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग रफ कर सकते हैं, ताकि जितना ज़्यादा पोरस हो उतना ज़्यादा आप लोग इसको क्या कर सकते हो, मतलब जो एब्जॉर्बिंग पावर उतनी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, ये जस्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है। ये जस्ट पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, मैंने आपको पहले बता दिया एड्सोर्बेंट आपके पास एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन अकल्शन एड्सॉर्प्शन एंड एक्सोथर्मिक एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये किताब से पूरा लिखना है। मैंने तो जस्ट एक बता दिया आपके पास एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ये डिफरेंस है, आपको किताब से तीनों चारों डिफरेंस लिखने हैं। फिर एड्सॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गैस बाय सॉलिड, यानी एब्जॉर्ब है क्या है आपके पास, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड। तो सरफेस एरिया, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो इसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको टैली करके ना चलने हैं, और टैली करके उसको नोट करना है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे जेआरबी का हो, चाहे वो प्रदीप का हो, एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ने। ठीक है, फिर कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एक आपके पास नए लेक्चर से। तो पहले आप लोग टैली करके बेसिक सारे कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से करिए, और फिर कल नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।